Hello, let's see this question. This question says How much copper is deposited on the cathode of an electrolyte cell if a current of 5 ampere is passed through a solution of copper sulfate for 45 minutes? Atomic mass of copper is 63.5. Key concept for this question is Faraday's first law. Faraday's first law. और फिराई का जो फर्स्ट लो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास की जाती है तो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का मास उस सॉल्यूशन में पास किए गए चार्ज पर डिपेंड करती है इट मीन्स W इज़ प्रोपोर्शनल Q. W इज द मास ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस मास ऑफ डिपॉजिट

एंड जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिस इज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट एंड दिस वैल्यू इज ई इक्वलेंट मास इक्विवेलेंट मास ऑफ द डिपॉजिट सब्सटेंस अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलाम so, सो ये वैल्यू यहां पुट करने पर W इज इक्वल हम लिख सकते हैं Z की जगह लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ द डिपॉजिट सब्सटेंस इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इंटू आई इंटू टी सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ डब्ल्यू वैल्यू कैलकुलेट करना है और इक्वलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट सब्सटेंस कोपर है और कोपर का जो मोलर मास होता है वो होता है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव और इक्वलेंट मास निकालते हैं मोलर मास डिवाइड बाय इक्ट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो और कोपर के लिए मोलर मास है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव और इसका जो एन फैक्टर है वो है टू क्योंकि यहाँ पर कॉपर टू प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर टू प्लस फॉर्म में है और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सी यू में रिड्यूस होता है कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होता है तो यहाँ इसका एन फैक्टर एन इज इक्वल है टू सो जेड वैल्यू होगी इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो सो सब्सटेंस अपॉन यहाँ पर हम लिखेंगे नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो गुलाम इंटू नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो गुलाम करंट है यहाँ फाइव एम्पियर की और टाइम है फोर्टी फाइव मिनट फोर्टी फाइव मिनट को यहाँ सेकेंड में चेंज करेंगे फोर्टी फाइव इंटू और इसे कैलकुलेट करने पर यह वैल्यू आती है वन थ्री सेवन ग्राम इसे कैलकुलेट करने पर यह वैल्यू आती है 4.44 ग्राम सो डिपोजिटेड कॉपर का मास है 4.44 ग्राम होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक